हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज देखिए, मैं आपके लिए दाल मखनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके लिए हम ये उड़द की दाल ले लेंगे। साबुत उड़द की दाल है। और देखिए, बटर ले लेंगे, अब हम पानी ले लेंगे। ये 5 से 6 छोटी इलायची है और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 छोटी चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर देंगे। अब हम देखिए कुकर ले लेंगे। और देखिए, ये हम दाल को वॉश करके और इसको कुकर में डाल देंगे। मैंने देखिए दाल को भिगोया नहीं था, मैंने वैसे ही इसको धोकर और कुकर में डाल दिया। अब देखिए, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें दाल से ऊपर ऐड करना है। मैंने ये 4 कप पानी डाल दिया है इसमें। और ये हमारी 1 कटोरी दाल थी और उसमें हमने 4 कप पानी का यूज़ किया है। अगर ये पकने के बाद आपको इसमें पानी कम लगे तो आप इसमें 1 कप पानी और ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए, हम इसमें ये बटर डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसके बाद हम ये इलायची भी डाल देंगे इसमें, ये लाल मिर्च भी ऐड कर दीजिए। और उसके बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे एक बार। और अब हम इसे पकाएंगे। इसके लिए हमें 6 से 7 सीटी आने तक हमें इसे पका लेना है। और अगर ये दाल अच्छे से पके ना तो 1 से 2 सीटी आप इसमें और लगा लीजिए। अब देखिए, इसमें 7 सीटी लग चुकी है। तो अब देखिए, ये हमारी दाल ऑलमोस्ट देखिए पक चुकी है। इसको अब हम एक बार चला के देखेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह से ही ये दाल को पकाना है। इतना ही, आप इसी तरह से इसको दाल को पका लीजिए। मेरी 7 सीटी में दाल रेडी हो गई है। इसमें अब हम देखिए 1 कप दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या आपके पास जिस तरह भी हो आप उस तरह से इसमें 1 कप मिल्क ऐड कर दीजिए। अब एक बार देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध से इसका देखिए कलर थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है और इससे थोड़ा सा क्रीमिश भी फ्लेवर आता है। अब देखिए, हम गैस फ्लेम ऑन करके और उस पर हम कढ़ाई रख देंगे और उसमें हम ये बटर डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच बटर है, ये डाल देंगे इसमें। इसके बाद देखिए, हम ये गार्लिक का पेस्ट है, ये डालेंगे 1 टेबल स्पून। मैंने ये गार्लिक का पेस्ट ले लिया है, इसे ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम ये प्याज की प्यूरी है, प्याज को मैंने ग्राइंडर में डालकर और पीस लिया था, तो हम देखिए इसको ऐड कर देंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए, हमारे टमाटर भी अच्छे से पकने लग गए हैं। और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें देखिए ये दाल को ऐड करेंगे। अगर ये आपको ज़्यादा थिक लग रही हो तो आप इसमें पहले ही पानी ऐड करके और इसको बॉईल कर लीजिए। इसमें हम ऊपर से पानी नहीं डालेंगे। आप इसमें पहले ही पानी ऐड करके और इसको बॉईल करके उसके बाद ही आप इसकी कंसिस्टेंसी देखकर तभी आप इसे कढ़ाई में डालेंगे। आप देखिए, इसके ऊपर से हम
इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। नमक ऐड कर दीजिए इसमें 1 टेबल स्पून, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच, और देखिए ऊपर से हम इसमें इसको गार्निश करेंगे अदरक से। अदरक के आप स्लाइसेस कट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको इसमें डाल दीजिए। और अब देखिए हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और ये हमारी दाल रेडी हो चुकी है। देखिए कितने अच्छे से हमारी ये दाल रेडी हुई है, और इसी कंसिस्टेंसी के हम इसे दाल को रखेंगे। और ये अब हमारी रेडी है दाल मखनी। तो आप इसे चावल के साथ या फिर नान के साथ या लच्छे पराठे किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो हम अब गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे, और देखिए हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी ये दाल मखनी रेडी हुई है, और बहुत ही आसानी से, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह से इसको बनाइए और इसको खाइए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। ऊपर से हम इसमें बटर ऐड कर देंगे जब आप इसको सर्व करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।